दोस्त लोगों नमस्कार। आज अपना चैनल में मल्टीमीटर के बारे में वीडियो देखेंगे। मल्टीमीटर कैसा यूज़ करना है, उसका रेंज क्या है और सिलेक्शन मोड कैसा करना है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। मैं जो मल्टीमीटर लिया था उसका रेंज है 600 वोल्टेज रेंज है मैक्सिमम। डीसी एसी दोनों मेजर कर सकते हैं 600 तक। और आप इंडस्ट्रियल में काम करेंगे तो, अगर नहीं तो सर्विस इंजीनियर है तो उसी हिसाब से आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा वोल्टेज रेंज के हिसाब से। और इसमें प्रोब भी थोड़ा अच्छा दिया है मल्टीमीटर में, प्रोब कैट का प्रोब दिया है और उसमें वोल्टेज भी दिया है मैक्सिमम वोल्टेज रेंज। अब इसमें देखिए कैट का ब्रांडेड दिया है और वोल्टेज रेंज देखिए 1000 वोल्टेज मैक्सिमम दिया है और 10 एम्स मैक्सिमम रेंज दिया है। तो मैक्सिमम रेंज इतना रहने से अपने को सेफ्टी वाइज अच्छा भी रहता है और ब्रांडेड है तो और अच्छा रहता है। ब्रांडेड का कास्ट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है और सेफ्टी वाइज आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर फ्लूप ब्रांडेड है तो और अब सेफ्टी वाइज अच्छा भी मिलेगा आपको। और इस मल्टीमीटर में मेजर करने के लिए आपको सिलेक्शन मोड सेलेक्ट करना पड़ता है। जो जो सिलेक्शन मोड है आप देखिए, इसमें एसी वोल्टेज सिंबल दिया है, उसी सिंबल में देखिए 200 और 600 दोनों मोड दिया है। आप कोई भी मोड सेलेक्ट करके आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो। अगर घर पे मेजर करना है तो 600 वोल्टेज में रखिए और सिलेक्शन मोड रख के आप फेस टू न्यूट्रल मेजर करने से अपने को 230 वोल्ट मिलेगा। और कोई कौन सी फेस वायर करके आपको कन्फर्म करना है तो कोई भी एक वायर में रख के अर्थ पॉइंट में आप रखिए, वोल्टेज मिलेगा। कोई भी एक वायर में वोल्टेज मिलेगा तो वही आपको फेस वायर है, न्यूट्रल टू अर्थ पॉइंट आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, आप इसीलिए कंफर्म कर सकते हैं। और नीचे दो है जो है वो एम्स डीसी एम्स मेजर करने के लिए सिलेक्शन मोड दिया है। नीचे जो होल है वो डीसी एम्स मेजर करने के लिए, जो सेंटर वाला है वो कॉमन पॉइंट है और राइट साइड वाला है वो है आपको चेंज करना पड़ेगा। और वोल्टेज मेजर करना है तो राइट साइड में रहेगा, करंट मेजर करना है तो लेफ्ट साइड में आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके आपको सिलेक्शन मोड सेलेक्ट करके आपको करंट मेजर करना पड़ेगा। सर्किट का सीरीज में आपको कनेक्ट करना पड़ता है करंट मेजर करने के लिए, इसीलिए सेफ्टी वाइज आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सीरीजली कनेक्शन में रहने से आपको ज़्यादा ध्यान दे के करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांसिस्टर चेक करने के लिए दिया है। इस मोड में आप ट्रांसिस्टर चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट वाला है वो है कंटिन्यू मोड। ये कंटिन्यूटी मोड में आपको एक दूर से जो केबल आ रहा है उसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये मिलेगा। आप दोनों को शॉर्ट करने से, मतलब वो वायर को शॉर्ट करने से आपको इसमें अलार्म मिलेगा। एग्जांपल ये दोनों वायर को शॉर्ट करने से आपको वैल्यू भी जीरो होगा और इसमें कंटिन्यूटी मोड में अलार्म भी आएगा। आप इसी सेम प्रिंसिपल को उसी केबल में रख के आप कंफर्म कर सकते हैं वो केबल कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट है रेसिस्टेंस वैल्यू। 200 ओम से 2 मेगा ओम तक दिया है, आपको इस सिलेक्शन मोड में रख के कोई भी रेसिस्टेंस वैल्यू मेजर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला है वोल्टेज डीसी वोल्टेज मोड है, 200 मिली वोल्ट से 600 वोल्टेज तक दिया है, आप आराम से वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं डीसी वोल्टेज। इसमें सेफ्टी का बात यह है, कोई भी जो भी आप सिलेक्शन मोड रख रहे हैं उसी मोड में आपको मेजर करना ज़रूरी है। मींस आपको वोल्टेज मोड है तो डीसी मोड है तो डीसी से मेजर करना है और एसी है तो एसी मेजर करना है। कंटिन्यूटी मोड में रख के वोल्टेज कभी भी नहीं मेजर करना है। अगर मेजर करने से हम लोग को अंदर शॉर्ट सर्किट बन सकता है, फ्लैश ओवर हो सकता है, इसीलिए सेफ्टी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मल्टीमीटर यूज़ करने के टाइम। कोई जो मोड आप सेलेक्ट कर रहे हो उसी मोड में आपको मेजर करना ज़रूरी है। इसीलिए इसमें जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसी में भी सेम आपको दिए लिखा होगा, जो सेफ्टी वाइज देखने से आपको थोड़ा अच्छा मिले। एक एक मीटर चेक करने के लिए, जो सिलेक्शन मोड चेक करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है और कौन सा डीसी वोल्टेज डीसी करंट रेंज वगैरह इसमें दिया है, एसी वोल्टेज कंटिन्यूटी मोड सबका इसमें मेजरमेंट दिया है। जो सिलेक्शन मोड में है मीटर में वही मोड वही इधर दिखाया है, मैनुअल रेफर कर लीजिए, वही अच्छा होगा मीटर यूज़ करने के पहले। एक रेसिस्टर का वैल्यू चेक करते हैं। एक रेसिस्टर को लेके आप रेसिस्टर 200 ओम सिलेक्शन मोड में रख के थोड़ा टाइटली पकड़ लीजिए, आपको रेसिस्टर वैल्यू दिख जाएगा। और दूसरा रेसिस्टर को भी देखिए, आपको वैल्यू दिख जाएगा, 1.7 तक मैक्सिमम दिखेगा, इसका वैल्यू उतना ही है। अभी डीसी वोल्टेज कैसा मेजर करते हैं करके देखते हैं। एक 1. वोल्ट का बैटरी लिया था और सिलेक्शन मोड 20 वोल्ट में रखा डीसी का, बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन रखा, आपको दिखेगा 1.59 तक दिख रहा है। पोलारिटी आप ध्यान में रख लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव का, तभी ठीक से दिखेगा।
दोस्त लोग जो वीडियो पसंद होगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको यूज़फुल होगा करके मुझे लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।